सो वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, प्रमुख हेडलाइन है। जी हां दोस्तों, 4 जुलाई दिन गुरुवार। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोडवेज में 38 संविदा चालकों की होगी भर्ती, सुल्तानपुर की यह बड़ी खबर है। अगर आप सुल्तानपुर से हैं तो चालक के पद पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों के लिए सुनहरा मौका है। परिवहन निगम की ओर से चालकों को 38 रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। बुधवार को रोडवेज की अमहट स्थित कार्यशाला में इसका टेस्ट भी लिया गया है। इसके साथ ही और लोगों की भर्ती की जाएगी। सुल्तानपुर रोडवेज डिपो में वर्तमान में 125 चालक कार्यरत हैं, 47 नियमित हैं, 18 संविदा कर्मी चालक हैं। टेस्ट लेकर चयन किया जाएगा। बुधवार को सुबह 10 बजे से रोडवेज की अमहट स्थित कार्यशाला में चालकों का टेस्ट हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन और होगा। ऐसे में आप चाहे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इसके लिए 8वीं पास मांगा गया है और चालक को न्यूनतम वेतन 12,450 रुपए मिलेगा और इसके साथ ही 22 दिन ड्यूटी और 5,000 किलोमीटर पूरा होने पर 3,000 रुपए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, गोभी मंचूरियन और कबाब के बाद अब गोलगप्पे भी बैन करेगी सरकार, कैंसर का खतरा है। दोस्तों, लोकप्रिय स्ट्रीट फूड जिसका कई नाम है, कोई पानी पूरी कहता है तो कोई फुल्की कहता है, कोई गोलगप्पे कहता है। वैसे आपके शहर में क्या कहते हैं कमेंट करिएगा, लेकिन कर्नाटक में जांच के घेरे में ये चीज आ गई है। सरकार गोभी मंचूरियन और कबाब के बाद गोलगप्पे पर भी बैन लगा दी है, इससे कैंसर का खतरा बताया गया है। स्ट्रीट फूड का कौन दीवाना नहीं होता। आपको बताते चले, 250 पानी पूरी के नमूने एकत्र किए गए हैं, इस पर जांच होगी, बैन सकता है। तो दोस्तों, यूपी के गांवों को अब नहीं मिलेगी 24 घंटे बिजली, नगर पंचायतों का भी समय तय कर दिया गया है, कहां कितनी कटौती होगी इसको जान लीजिए। दरअसल अप्रैल में शहर से लेकर गांवों तक 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 18 घंटे बिजली दी जाएगी, नगर पंचायत और तहसील मुख्यालय में 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे, नगर पंचायत और तहसील मुख्यालयों पर 2.5 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश दिया गया है। जी हां, सभी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली का सप्लाई होने लगा था और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने समय समय सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब यूपी के गांवों को नहीं मिलेगी 24 घंटे बिजलियां। वहीं नीट को लेकर बड़ी खबर सामने दोस्तों आ रही है। नीट स्कैम पर पीएम मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, युद्ध स्तर पर निभाई जाएगी हर जिम्मेदारी, अब नहीं होगा खिलवाड़। जी हां दोस्तों, नीट 2024 यूजी स्कैम को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है, जिसमें पीएम मोदी ने नीट को लेकर बड़ी खबर सामने दी है। उनका कहना है कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। वही किसान की फरियाद ना सुनने पर बड़ा एक्शन हुआ, सीएम योगी ने फतेहपुर एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। किसान की फरियाद अनसुनी करना फतेहपुर जिले के खागा तहसील के उप जिलाधिकारी को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम को निलंबित भी कर दिया गया है। वही दोस्तों, बड़ी घटना होते होते बच गई। जी हां, जम्मू कश्मीर में सेना ने बस खाई में गिरने से बचा लिया। ब्रेक फेल हुआ था, लोग कूदने लगे थे, जवानों ने पहियों के नीचे पत्थर रखकर रोका है। आप इसका फुटेज भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में NH-44 पर भारतीय सेना की सूझबूझ ने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। आपको बताते चले, श्रद्धालुओं से भरी एक बस का ब्रेक फेल हो गया था और हाईवे के किनारे गहरी खाई थी। बस में 45 लोग सवार थे जो अमरनाथ से पंजाब लौट रहे थे। दोस्तों, डीएम हो या फिर एसपी, हाथरस के दोषियों को जेल भेजे योगी। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की ये बड़ी मांग सामने आई है। यूपी के हाथरस में 116 लोगों की मौत पर कन्नौज के पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि इस घटना का जिम्मेदार जिला प्रशासन है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कार्यक्रम की सरकारी स्वीकृति थी तो जिला प्रशासन ही इसका जिम्मेदार होगा। उन्होंने लिखा कि सीएम योगी से निवेदन है कि दोषियों पर एक्शन ले और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करे और उनको जेल भेजे। उन्होंने कहा कि डीएम हो या एसपी, के दोषियों को जेल भेजे योगी। वही तीनों लोगों के रचयिता है नारायण हरि, कोई साधारण बाबा नहीं है, अब भी भक्ति में चूर है अनुयायी। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन जो बाबा फरार है उसके अनुयायी अभी भी उनकी भक्ति में चूर है। नारायण हरि के भक्त ने कहा, उन्होंने दुनिया की रचना रची है, तीनों लोगों के स्वामी है, वह होते हुए भी नहीं होते और है भी, कल क्या हुआ वह इसे जानते हैं, लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऐसा कहा है उनके एक भक्त ने, ऐसा कहा है उनके एक अनुयायी ने। मतलब 122 लोगों की जान चली गई, भगदड़ मच गया, बाबा फरार है लेकिन उसके भक्त उसके लिए एक भी शब्द गलत कहने को तैयार नहीं। वैसे आपका क्या कहना है आप कमेंट करिएगा।
वाराणसी में नगर निगम 34 स्थानों पर बनाएगा ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट। जमीनों को चिन्हीकरण करके शासन को भेजा जाएगा फाइल। टोटो यूनियन ने की थी मांग। दोस्तों वाराणसी जनपद में नगर निगम द्वारा ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम की टीम ने 34 स्थान शहर में चयन किया है जहां पर एक समय में एक साथ 3 से अधिक ई वाहन चार्ज हो सकेगा। निगम ने इस प्रोजेक्ट को फाइल करने के लिए शासन को फाइल भेज दी है। अधिकारियों की माने तो अगस्त महीने में इसको स्थापित करने की शुरुआत हो जाएगी। वही दोस्तों मदरसों में बायोमेट्रिक से शुरू हो गई है हाजिरी। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। 560 मदरसों को मिला है अनुदान। दोस्तों मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगने लगी है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के साथ सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। इस आदेश का पहले तो विरोध हुआ था लेकिन बोर्ड के सख्त होने के कारण टीचरों को आदेश मानना पड़ा है। शिक्षकों ने फैसले का स्वागत किया। फिलहाल आपको बताते चले अब मदरसों में सुबह राष्ट्रगान भी हो रहा है। वही लखनऊ में सहारा इंडिया पर ईडी की रेड। 100 अधिकारी एक साथ पहुंचे कपूरथला हेड ऑफिस। चिट फंड से जुड़ा है मामला। लखनऊ में सहारा इंडिया के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। कोलकाता यूनिट ने यह छापा मारा है। लखनऊ कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद है। लखनऊ में कपूरथला के सहारा के मुख्य कार्यालय में सुबह 7 बजे से ईडी करीब 100 अधिकारी पहुंचे हैं। सहारा इंडिया को यह पूरा मामला कोलकाता के चिट एंड फंड कंपनी के कथित घोटाले से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को इकट्ठा करने के साथ ही फाइलों को भी जांच की जा रही है। तो दोस्तों हिंदू हिंसा वाले बयान से आहत अमेठीवासी। फूंका गया राहुल गांधी का पुतला। उन्नाव में कालिक भी पोती गई। जी हां दोस्तों अमेठी में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुसाफिरखाना तहसील गेट पर राहुल गांधी का पुतला फूंका है। हिंदू हिंसक है इस बयान से वो नाराज थे। यूपी में होने वाले हैं ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती। माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे ये पद। यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह घा के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी हो रही है। यह सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन करके भर्तियां पूरी की जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप भी एफडी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको शानदार ब्याज मिलेगा। एफडी कर सकते हैं। आपको बता दें 4 बैंक ने अपनी बदल दी है 1 जुलाई से ब्याज दरें, जिसका फायदा आपको मिल सकता है। बात कर ले एक्सिस बैंक की तो लगभग आपको बताते चले कि 5 साल से 10 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8% का ब्याज ये दे रही है और सामान्य नागरिकों को 17 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में एफडी करने पर 7.2% का ब्याज मिल रहा है। एक्सिस बैंक के ग्राहक है तो एफडी करा ले। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 9.5% का ब्याज मिल रहा है सीनियर जन को 12 महीने की एफडी करने पर और सामान्य नागरिकों को 12 महीने की एफडी पर 8.5% का ब्याज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो सामान्य नागरिकों को 15 महीने से लेकर 2 साल की एफडी पर 7.2% का ब्याज मिल रहा है। वही 18 महीने से कम की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8.5% का ब्याज आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात कर ले तो अधिक ब्याज 7.80% तक का मिल रहा है सीनियर सिटीजन को 666 दिन की एफडी करने पर। वही सामान्य नागरिकों को 7.3% का ब्याज दे रही है। बाकी आप बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज रेट देख सकते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 घंटे नहीं मिलेगा एचडीएफसी बैंक की मोबाइल बैंकिंग की सर्विस। चेक कर लीजिएगा टाइमिंग। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को ईमेल के जरिए सूचित किया है कि शनिवार 13 जुलाई को अपग्रेड विंडो के दौरान कुछ सर्विस नहीं मिलेगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से बता दिया है और एचडीएफसी बैंक ने दी गई तारीखों को एचडीएफसी बैंक से जुड़ी सर्विस के लिए सिस्टम अपग्रेड करने की योजना बताई है। यानी कि 13 जुलाई को सुबह 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक ग्राहकों को 13 घंटे तक बैंक की सर्विस प्राप्त नहीं होगी। तो 25% तक महंगा हो गया जियो का रिचार्ज। जी हाँ 239 वाला प्लान 299 मिलेगा। एयरटेल ने भी 21% तक दाम इसके बढ़ा दिए हैं। 3 जुलाई से इसके दाम बढ़ चुके हैं। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी थी। अब आप यहाँ पे नया प्लान देख सकते हैं 239 वाला 299 का मिलेगा और चेंज देख सकते हैं कितना रुपए तक बढ़ा है। कुल मिलाकर जियो हो या फिर एयरटेल सभी के रिचार्ज बढ़ चुके हैं। आप कीमत देख सकते हैं। अब आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो पेंशनरों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। इतने रुपए पेंशन देगी यूपी सरकार। योगी सरकार पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनर के संबंध में एक अहम आदेश जारी की है जिसके मुताबिक अब राज्य सरकार के किसी भी पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनरों को 9,000 रुपए महीने से कम पेंशन नहीं मिलेगी। जी हां सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शासन ने पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर के संबंध में एक अहम आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक अब राज्य सरकार के किसी भी पेंशनरों को 9,000 रुपए से कम की पेंशन नहीं मिलेगी। ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
वही दोस्तों आपको बताते चले कि सितंबर से फ्री गैस सिलेंडर भी मिलने लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था, जो एक होली के समय मिल चुका है और एक गैस सिलेंडर अब रक्षाबंधन के आसपास मिलेगा। यानी रक्षाबंधन जब से शुरू हो जाएगा, 19 अगस्त के लगभग रक्षाबंधन शुरू हो रहा है और आप अगस्त और सितंबर के महीने से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे और फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में किसी भी महीने में आप एक फ्री गैस सिलेंडर यूपी सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक उज्ज्वला धारक है तो आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि यूपी सरकार ने 2 फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की थी, जो फरवरी और मार्च में एक मिलता है और एक अगस्त से अक्टूबर के बीच में दिया जाता है। तो चाहे तो आप बुकिंग करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दी है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।